खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए निर्णय सही लें, कर्म पक्ष पर अधिक बल दें, लोगों से अधिक अपेक्षा ना रखें। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन गरिष्ठ भोजन ना करें। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर काम पर जुटें। वृषभ राशि, ये दिन घर गृहस्थी के लिए थोड़ा सा कमजोर है, कोई तनाव हो सकता है, लेकिन फिर भी हर तनाव का हल इस दिन निकलेगा, क्योंकि भाग्य पक्ष मदद कर रहा है। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से नुकसान हो सकता है, मित्र भी इस दिन शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, अतः ध्यान रखें। एक छोटी सी सावधानी आपने जरूर बरतनी है, इस दिन जिन लोगों को पेट पीठ पैरों में दिक्कत रहती है, वो थोड़ा अपना ध्यान ज्यादा रखें। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन आप ओम नारायण नमो नमः का जप करें, फिर काम पर जुटें। कर्क राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला इस दिन नहीं लेना, लेने से मुश्किल आ सकती है, यात्राओं में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, लेकिन भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। इस दिन बहुत मेहनत कराएगा ये समय, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और अपने राज की बात किसी को मत बताइएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, इसलिए आप आगे बढ़िए। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर रखनी है, जिन लोगों को दांत गले की दिक्कत रहती है, वो विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। कन्या राशि, इस दिन बहुत सारे विचार मन में होने के कारण और आलस्य होने के कारण आप चिंताग्रस्त तो रहेंगे, लेकिन कार्य करने में दिक्कतें आएंगी। विद्यार्थियों को इस दिन विशेष रूप से विशेष मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो काम बनेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें और कुछ मिठाई 8 वर्ष से छोटी कन्याओं में जरूर बांटें। तुला राशि, यह दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घर गृहस्थी में भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, बहन भाई या उनके परिवारों में कोई समस्या हो सकती है। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन किसी की निंदा करने से बचिएगा, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, कोई कानूनी पछड़े में भी आप पड़ सकते हैं, अतः सावधान रहें, वाद विवाद से बचें। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट को सफेद पुष्प भेंट करके थोड़ी देर ध्यान करें, मन शांत रखें, अच्छी दोस्ती करें और अपने काम पर जुटें। वृश्चिक राशि, आपको कुछ आगे बढ़ने के मौके तो जरूर मिलेंगे, लेकिन किसी की मदद से। इस दिन आपको घर के बुजुर्गों की, बड़े भाई बहनों की, उनके परिवारजनों की मदद मिल सकती है, लेकिन एक सावधानी, यह दिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है जो कहीं विशेष जगह विवाह करना चाहते हैं या प्रेम संबंध कर रहे हैं। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें और सूर्य को अर्घ दें, फिर उसके बाद अपने काम पर जुटें। धनु राशि, धन की दृष्टि से यह दिन सामान्य कहा जाएगा, भाग्य पक्ष सामान्य है, बड़े निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, वाहन ध्यान से चलाएं और जिन लोगों को कफ की समस्या रहती है, वो विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन? गणपति जी को दूर्वा भेंट करें, फिर उनको प्रणाम करें, एकाग्रचित्त होकर उनका ध्यान करें, फिर काम पर जुटें। मकर राशि, भाग्य पक्ष आपकी मदद कर रहा है, इसलिए आप खूब मेहनत से आगे बढ़कर काम अपने पूर्ण कीजिएगा। इस दिन रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन एक सावधानी इस दिन जरूर बरतें, इस दिन दुर्घटना के योग है, अतः वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? घर के किसी बुजुर्ग के हाथ से दाहिनी कलाई पे कलावा बंधवा के फिर अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको।
रुके विकार भी पूर्ण होंगे, लेकिन एक सावधानी, ये दिन रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो आपके सीनियर्स के साथ संबंध हो, प्रेम संबंध हो, गृहस्थी के संबंध हो। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपने बंदरों को खाने के लिए कुछ भोजन अवश्य देना है। मीन राशि, भाग्य पक्ष कुछ कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन आपका किसी बुजुर्ग से मनभेद अथवा मतभेद ना हो। उपाय क्या करेंगे? इस दिन बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उन्हें दूध या दूध से बनी हुई चीजें भेंट कीजिए, तो वो जी सब ठीक करेंगे।